नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एमबीएस टीजीटी साइंस 2016 के पेपर को विस्तार पूर्वक हल करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आपने अभी तक एमबीएस टीजीटी साइंस 2019 का पेपर सॉल्व नहीं किया है तो आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। जो हैलोजन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हैलोजन की होती है वो मैक्सिमम होती है पीरियड में, क्योंकि हैलोजन के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन कम होता है टू अचीव द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। चूंकि हम जानते हैं ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस देन होती है क्लोरीन से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है फ्लोरीन एटम का, जिसकी वजह से इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पाया जाता है 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के बीच में, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं मच अट्रैक्शन को। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा फ्लोरीन की, अभी हमने बताया क्लोरीन से कम होगी, इसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। ये बोल रहा है नॉट वैलिड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। चूंकि हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, चेंज इन पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली एट सेम टाइम। मतलब जो चेंज इन पोजीशन है एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड एट सेम टाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π। चेंज इन पोजीशन मोमेंटम को हम जानते हैं एम इंटू बी होता है इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4π। जो चेंज इन पोजीशन जो होता है वो वेलोसिटी के इनवर्स रिलेशन में होता है। अब हम अपने पहले ऑप्शन में जाते हैं। पहला ऑप्शन है व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज। ये बोल रहा है जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो इंक्रीज कर रहा है तो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में डिक्रीज करेगा, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज कर रहा है तो सर्टेनिटी इन वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज। ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसलिए अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन में इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है सेकंड, नॉट वैलिड। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117। चूंकि हम जानते हैं अगर जीरो, जीरो का मतलब होता है उसमें हम निल लिखेंगे, वन का मतलब अन होता है, दो का मतलब बाई होता है, तीन का मतलब ट्राई होता है, चार का मतलब क्वाड होता है और पांच का मतलब पेंट होता है, सिक्स का मतलब हेक्स होता है, सात का मतलब होता है सेप्ट, आठ का मतलब होता है ऑक्ट, नौ का मतलब होता है ईन। चूंकि ये एटॉमिक नंबर 117 बोल रहा है तो आप इसे देख के लिख सकते हैं। वन का मैंने बताया अन, फिर वन है तो अन, सेवन का हमने बोला सेप्ट तो इसे हम लिखेंगे सेप्टियम, लास्ट में UM जोड़ देते हैं सेप्टियम। तो इसका जो IUPAC नेम होगा अनसेप्टियम, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक करेक्टर अमंग द एलिमेंट।
चूंकि हम जानते हैं जो टेंडेंसी होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड. जो टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज एटॉमिक साइज. और जो ग्रुप होता है, जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं, ग्रुप में ऑनगोइंग डाउनवर्ड, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर ये डिक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. अब हम इसको लिखते हैं, बोरान के बाद कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन आना चाहिए, ऑक्सीजन दिया नहीं है, फ्लोरीन, और कार्बन के नीचे पाया जाता है सिलिकॉन. चूंकि अभी हमने बताया कि ग्रुप में जाने पर जो है डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और पीरियड में इंक्रीज करता है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा फ्लोरीन. दो ऑप्शन में है, फ्लोरीन नाइट्रोजन होगा, फिर कार्बन होगा. और अभी हमने बताया कि हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट. इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब जानते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्सेल्फ. ये इसकी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट टू विच इट बॉन्डेड. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिजरेबल क्वांटिटी नहीं है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. ये मिजर्ड होती है किसमें? स्केल में. इसके लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? इसके लिए पाउली स्केल यूज किया जाता है. तो हम अपने पहले ऑप्शन को देखते हैं, इट इज कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन एलिमेंट. अभी हमने बताया कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ये वेरी करता है जिस एलिमेंट से यह बॉन्डेड होता है. और ये इसका थर्ड ऑप्शन है, इट इज ए मिजरेबल क्वांटिटी, ये मिजरेबल नहीं है इसलिए. और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसके लिए हम क्या इसको मेजर करते हैं? स्केल में. इसके लिए पाउली स्केल यूज किया जाता. और ये जो सेकंड ऑप्शन है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. तो इसमें केवल सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है ओनली. हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट फॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर. तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चूंकि हम जानते हैं वाटर क्या है, वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है. वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो जब वाटर डिसोसिएट होता है एच प्लस OH- माइनस आयन में, तो इसका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का H+ OH H2O, चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट, वैल्यू 1 एज्यूम करो. वाटर आयनिक प्रोडक्ट H+ आयन इंटू OH- आयन, इसे हम क्या लिख सकते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर pH प्लस पी ओ एच, या इसे लिख सकते हैं पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के ए प्लस पी के बी. चूंकि हम जानते हैं ये जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर. अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो आयनिक प्रोडक्ट ये इक्वल टू हो जाएगा 10^-14. अगर 90 डिग्री होगा तो ये 10^-12 हो जाता है. चूंकि वाटर एक वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आल्सो अप्लीकेबल होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए.
इसका हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, पीकेडब्ल्यू इज 14, ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। अभी हमने बताया जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हुआ। और इसको अभी हमने बताया आयनिक प्रोडक्ट पीकेडब्ल्यू इज इक्वल टू पीके प्लस पीकेबी और पीकेडब्ल्यू इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच, तो इसका सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। अमोनियम एसीटेट जो होता है वो सॉल्ट होता है, बीक बेस एंड बीक एसिड्स का। अब हमको दिया है इसके लिए पीके, पीके की वैल्यू दी है 4.76 और पीकेवी की वैल्यू दी हुई है 4.75, और हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पीएच जो होगा वो क्या होगा। पीएच इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला होता है हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी, चूंकि बीक बेस है। अब पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ पी के डब्ल्यू होता है 14 और पी के की वैल्यू दी हुई है 4.76 माइनस 4.75, तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू 14.01, तो ये हो जाएगी 7.005, ये हो जाएगा इसका पीएच, तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेंसिडिटी ऑफ द फैट आर ऑयल। अब हम बताते हैं रेंसिडिटी होती क्या है। मान लो ये फूड है, अगर इसको आप एक्सपोज करोगे एयर में, एक्सपोज करोगे एयर में, तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये फूड को ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है और स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। इसी को कहते हैं रेंसिडिटी हो गया, चाहे फैट का बोल दो, चाहे ऑयल का बोल दो, चाहे फूड का बोल दो, क्योंकि फूड जो है वो डिग्रेडेट हो चुका है, तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। जो ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल है ये प्रिजर्वेटिव है। जब आप किसी प्रिजर्वेटिव को ऑयल या फैट में ऐड करोगे तो वो उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, तो ये प्रिवेंट होता है बाय एडिंग ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है डिग्री नॉट मीजर्ड बाई आर एम वैल्यू, तो ये करेक्ट है, और ना ही ये मीजर होती है आयोडीन वैल्यू में, इसकी डिग्री नॉट मीजर्ड बाई आयोडीन वैल्यू। बट इसका फोर्थ ऑप्शन दे रहा है इट्स डिग्री मीजर्ड एज आयोडीन वैल्यू, तो ये फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। अब हम इसमें चेक करते हैं किस ऑप्शन में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो इसका ये थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस यूज इन फोटोक्रोमेटिक आई लेंस फॉर डार्क कलरेशन इन सनलाइट। चूंकि हम जानते हैं जो फोटोक्रोमेटिक आई ग्लासेस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल उस ग्लास में एम्बेडेड होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट ए लाइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास वो कंबाइन करते हैं कलरलेस सिल्वर केटायन से और बनाते हैं एलिमेंट सिल्वर। चूंकि ये एलिमेंट सिल्वर ये विजिबल होता है और जिसकी वजह से ही लेंस अपीयर होता है डार्कर, तो हम इसमें कौन सा केमिकल यूज करते हैं आई ग्लासेस में फॉर डार्क कलरेशन इन सनलाइट, तो सिल्वर क्लोराइड। अभी हमने बताया कि सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल इसमें एम्बेडेड होते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड के केमिकल सब्सटेंस को हम यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें दिया है नेम ऑफ द मेटल
एंड द नेम ऑफ द ओर। इसमें पूछ रहा है मैग्नीज का ओर कौन है, मैग्नीज का ओर है पाइरोलुसाइट, इसका फार्मूला होता है MnO2। आयरन, आयरन का ओर इसे फूल्स गोल्ड या इसी को ही कहते हैं आयरन पायराइट, इसका फार्मूला होता है Fe2। जिंक का ओर होता है कैलामाइन, जिसे बोलते हैं ZnCO3। मरकरी का जो ओर होता है वो सिनाबार है, इसका फार्मूला HgS। चूंकि दोस्तों इसमें जो आयरन पायराइड दिया है ये भी है और आयरन का, इसे बोलते हैं आयरन पायराइड या फूल्स गोल्ड, दोनों का नाम एक ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इन चेयर एंड बोट कंफर्मेशन नल आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन रेस्पेक्टिवली। चूंकि साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसका फार्मूला होता है इस तरीके से, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो नॉर्मल कंडीशन होती है साइक्लोहेक्सेन की, उसमें कार्बन 120 डिग्री होता है। चूंकि ये बोल रहा है चेयर कंफर्मेशन की, जो ये चेयर कंफर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, और इस पे दो हाइड्रोजन लगे होते हैं हर जगह, ये इसकी जो होती है ये चेयर कंफर्मेशन होती है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, और जो इसकी बोट कंफर्मेशन होती है, बोट कंफर्मेशन जो इसकी होती है वो लेस स्टेबल होती है चेयर कंफर्मेशन से, क्योंकि इसके बीच में फ्लैग पोल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं जो इसको रिपल्सन प्रोवाइड करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर सेम होती है, बस ये जो हाइड्रोजन है अभी हमने बताया ऐसे ऐसे होता है, बट जो फ्लैग पोल होता है इसमें हाइड्रोजन ऐसे ऐसे होता है, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के इनमें रिपल्सन प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होती है, से दोनों का बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 5 मिनट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट pKa वैल्यू। ये pKa वैल्यू पूछ रहा है किसका सबसे कम है, चूंकि हम जानते हैं जिसका pH जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका pKa वैल्यू सबसे कम होगा। अब हम इसमें चेक करते हैं कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये एथेनॉल है, एथेनॉल इज प्राइमरी एल्कोहल, और आइसोप्रोपेनॉल जो होता है ये क्या है, ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, मतलब इसके पास जो होता है 2+I का इफेक्ट होगा, और इसके पास जो होता है ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, चूंकि हम जानते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन से, और ये क्या है 2-2-2 ट्राईफ्लोरोएथेन, तो इसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। चूंकि अभी हमने बताया 2-2-3 इसमें जो होता है स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है जो एग्जर्ट होता है 3-फ्लोरीन एटम के द्वारा, और ये है 2-क्लोरोएथेन, इसका जो फार्मूला होता है C2ClOH, तो इसका जो फार्मूला हो गया ये हो गया 2-क्लोरोएथेनॉल। चूंकि इसमें 1-क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है तो ये इससे कम स्टेबल स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है 2-2-2 ट्राईफ्लोरोएथेन, क्योंकि इसके पास जो होता है
माइनस आई इफेक्ट होता है जो 3 फ्लोरीन एटम का होता है, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अगर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा, तो इसमें ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इसलिए इसका लोवेस्ट पीके वैल्यू है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट ए लेयर Al2O3 कोटेड अराउंड द सरफेस ऑफ द मेटल। चूंकि हम जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है ये बनाता है प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर को, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है कोरिजन को, तो इसका है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कंसंट्रेट HNO3 जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है एल्यूमिनियम को Al2O3 में, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है फर्दर रिएक्शन को। एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होती है? एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है जिसमें थिक ऑक्साइड कोटिंग होती है, यूजुअली वो या तो होती है एल्यूमिनियम की एंड इट्स एलॉय की, तो इसे कहते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग के बारे में मैंने अपने पिछले क्लासेस में भी बताया था जब हम 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे एनोडाइजिंग क्या होता है। तो अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं, ये प्रिवेंट करता है फर्दर कोरिजन को, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है, ये प्रिवेंट करता है रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3, तो भी ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा है रेजिस्टेंट टू डाई, तो ये रॉन्ग है। चौथा ऑप्शन है इट फॉर्म बाय द एनोडाइजिंग प्रोसेस, तो ये करेक्ट है क्योंकि इसमें थिक ऑक्साइड कोटिंग होती है एल्यूमिनियम या उसके अलॉय की। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, ये पूछ रहा है कौन सा एग्जिबिट करेगा हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, कूजन इस कैटिब, इसमें प्लस वन ऑक्सीडेशन, प्लस टू, ये प्लस थ्री, ये प्लस फोर, ये प्लस फाइव, और दो आपको याद रखना है क्रोमियम और मैग्नीज। आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये प्लस टू भी शो करता है, प्लस थ्री भी और प्लस सिक्स भी शो करता है, तो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? Mn+7 की, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ये पूछ रहा है इस स्ट्रक्चर का IUPC नेम क्या होगा। अब हम इसमें सबसे पहले लंबी पैरेंट कार्बन चेन चुनते हैं, अगर हम इसको ये कार्बन चेन लेते हैं तो इसमें 1 2 3 ही कार्बन चेन पैरेंट कार्बन चेन के रूप में आएंगे, और अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो इसमें 5 कार्बन की सबसे लंबी पैरेंट चेन बनेगी। तो इसमें आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, जिसमें अगर हम आप इधर से करेंगे तो भी ये ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आएगा, इधर से करोगे तो भी ये ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो हम इधर से ही नंबरिंग कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी सबसे चेन बनी, तो इसका नाम क्या होगा? 3 पे है कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटेन, 1 5, 1 पे और 5 पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, 1,5-diol acids, कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए ओइक ग्रुप लगता है तो डाइओइक एसिड, तो इसका करेक्ट नेम हुआ 3-carboxypentane-1,5-diol acid। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें पूछ रहा है कौन सा रिएक्ट करेगा फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट से सबसे तेजी से टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों टर्शरी तेजी से रिएक्ट करता है? क्योंकि ये मोर स्टेबल अल्कोहल होता है। तो इसमें आप देखिए टर्शरी अल्कोहल कौन सा है, ये सी वाला, तो ये सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा। कौन सा इजली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इजली ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्रोमिक K2Cr2O7H+ आयन की उपस्थिति में, तो ये प्राइमरी अल्कोहल इजली ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
और इसमें पूछ रहा है कौन सा प्रोवाइड करेगा ब्लू कलरेशन इन बिक्टर मेयर्टिस। तो बिक्टर मेयर्टिस, इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं, आरबीसी जो प्राइमरी अल्कोहल होता है बिक्टर मेयर्टिस के साथ वो रेड कलर देता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो ब्लू कलर देता है, टर्सरी अल्कोहल जो होता है वो कलरलेस होता है। चूंकि ये पूछ रहा है ब्लू कलर, ब्लू कलर का मतलब हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, तो आप इसमें चेक करिए सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है। सेकेंडरी अल्कोहल है ये डी वाला। अब ये पूछ रहा है कौन सा इसमें से कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा वॉयलेट कलर विद न्यूट्रल FeCl3। चूंकि हम जानते हैं जो भी फिनोलिक कंपाउंड होते हैं जैसे फिनॉल हो गया और सैलिसिलिक हो गया, ये कंपाउंड जो है वॉयलेट कलर देते हैं ऑन रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3, क्योंकि ये फिनोलिक कंपाउंड है तो प्रोड्यूस करेगा वॉयलेट कलर विद न्यूट्रल FeCl3, ये फिनॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑर्डर, ये बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अमंग द पॉलीमर नाइलॉन सिक्स। चूंकि हम जानते हैं जो नाइलॉन सिक्स होता है ये पॉलीमर होता है कैप्रोलैक्टन का, और इसके बीच में जो होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, दैट इज हम कह सकते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीमर कौन सा है इसमें, नाइलॉन सिक्स। चूंकि आप देख रहे हैं नाइलॉन सिक्स इसी एक में सबसे पहले ऑप्शन पे और किसी में नाइलॉन सिक्स फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले नहीं दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाइलॉन सिक्स में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये इन सब में जो है वीक वैन डर वाल फोर्स पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है एसरेशन एंड रीजन, और पूछ रहा है कि अपने अल्टरनेटिव आंसर को चुनिए। तो हमारा एसरेशन है सोप डज नॉट वर्क विद हार्ड वाटर, तो ये करेक्ट है, सोप कभी भी हार्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है ऑन रिएक्शन विद हार्ड वाटर ये प्रेसिपिटेट बना देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट का। अगर ये प्रेसिपिटेट बना देगा तो ये इसमें हार्ड वाटर से रिएक्शन करके लेदर फॉर्म नहीं करेगा। रीजन क्या कह रहा है, सोप डज नॉट फॉर्म माइसिली बिलो इट्स क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन, ये भी करेक्ट है क्योंकि बिलो क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन के नीचे ये वर्क करता है एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए माइसिली का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें आंसर करेक्ट क्या होगा, एसरेशन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट एसरेशन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन। हमारा अगला क्वेश्चन है What is the purpose of adding gypsum into the Portland cement? Portland cement में gypsum add करने का क्या मतलब होता है? जब हम gypsum add करते हैं तो ये control करता है क्या? Setting of the cement को। अगर gypsum आप add नहीं करोगे, gypsum add नहीं करोगे cement में, तो ये cement जो होता है, अगर gypsum add नहीं करोगे, ऐड नहीं करोगे तो ये जो सीमेंट होता है ये इमीडिएटली आफ्टर एडिंग वाटर इसके पास कोई भी टाइम नहीं बचेगा फॉर कंक्रीट प्लेसिंग। तो मेन पर्पस क्या होता है जिप्सम ऐड करने का, जिप्सम ऐड करने का मेन पर्पस होता है स्लो डाउन करना, क्या स्लो डाउन करना डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ द सीमेंट को, प्रोसेस ऑफ सीमेंट वंस इट मिक्स विद वाटर, तो ये कंट्रोल करेगा सेटिंग ऑफ द सीमेंट को। क्योंकि अगर हम जिप्सम ऐड नहीं करेंगे तो इसमें भी
कोई टाइम नहीं बचता है आफ्टर मिक्सिंग द वाटर, नो टाइम लीव्स फॉर कंक्रीट प्लेसिंग। तो पर्पस क्या है जिप्सम को ऐड करने का पोर्टलैंड सीमेंट में? स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द सेटिंग। तो इसका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।